गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये देखे फजर क्या कर रही है अपनी आपी के साथ। फजर, ओ सर में दर्द कर दिए। नो नो फजर, बाल नहीं खींचने। अभी अभी ये उठे हैं तीनों सो के, और फजर अनाबिया को सुलाना चाह रही है। उसको कह रही है कि मेरी गोदी में लेटो और मैंने तुम्हें सुलाना है। अनाबिया लेट के दिखाओ इसको, ये देखें अभी उसको हाथ से उसको सुलाती है। फजर फजर क्या कर रही हो? चुला लियो आपी को, आपी को चुला रही हो? चुला दो चुला दो। ओए होए ऐसे कौन चलाता फजरी बाल खींच के? मम्मा आपको अच्छे चलाती है फजरी? अच्छे चलाती है मम्मा? हाय 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 हाय, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप ही के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती, उस बेचारी के बाल सारे खराब कर दिए। ओ गुस्सा गुस्सा। और ये बैठी है फातिमा। फातिमा ने सुबह सुबह नाश्ते से भी पहले खानी स्टार्ट कर दी है कैंडीज। और इधर बैठी हूँ मैं, लेकिन मैं ना इस वक्त बड़े रफ एंड टफ हुलिये में हूँ। और ये हूँ मैं, मुझे भी बहुत ज्यादा आ रही है नींद, और बड़ी मुश्किलों से आज मेरी आंख खुली है। और आज अनाबिया को भी नहीं स्कूल भेजा। अनाबिया को स्कूल भेजने वक्त मेरी आँख ही नहीं खुली, रात को मैं बहुत लेट सोई हूँ। और अभी इनके पापा को मेरे ऑफिस भेजा है, और अब नाश्ता बनाते हैं उठ के। क्या नाश्ता करना है मेरी बेटी ने? ब्रेड और जैम। ये तो सो इजी टू मेक, अभी बन जाएगा ब्रेड और जैम। और मैं क्या खाऊंगी, मुझे भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या खाऊंगी। मम्मा डाइट कर रही है। हाँ मम्मा डाइट कर रही है ना। बेटा क्या हुआ? ओय 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 हो। फजर का हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम, और फजर खाने लगी है बनाना। नाबिया प्लीज ब्रिंग अ स्पून। हाँ जी बनाना खाना है हमने, बनाना खाना। हाँ और फातिमा भी बनाना खा रही है। सुबह मॉर्निंग में हम लोगों का स्टार्ट होता है फ्रूट्स के साथ। फ्रूट्स के साथ हम लोग अपना डे स्टार्ट करते हैं, है ना है ना है ना जी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, ये देखें। ये मैंने अपने लिए बनाई है एक ओट्स रोटी, ठीक है, जो मैं नाश्ते में लूँगी। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस और लूज सम वेट। तो ये देखें, और ये मैंने ले लिए हैं 2 eggs, और साथ में मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है जो मैंने यूज़ किया है। और 2 eggs हैं, eggs में मैंने वेजीज डाल ली हैं, और इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। और मैंने रोटी के ऊपर भी थोड़ा सा जो है ना ऑलिव ऑयल लगाया। आप चाहें तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ जी। तो YouTube फैमिली ये देखें, मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी, जो कि रोटी मैंने बनाई है, साथ में मैंने बनाया अपने लिए ऑमलेट, और हाफ कप जो है मेरे पास चाय है, और ये मैं लूँगी। और इधर बैठी है फजर मेरे साथ, और मुझे यहाँ पे बैठी है फजर मेरे साथ और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और ये मेरी अनाबिया खड़ी है। फातिमा किधर है? फातिमा भी यहाँ पे है। बच्चे नाश्ता कर चुके हुए हैं, और मैं अब नाश्ता करूँगी, और फिर इंशाल्लाह ताला बाकी के काम शाम करेंगे। फजर को पता नहीं क्या हो गया है, क्यों इतना ज़्यादा रो रही है। तो चले जी नाश्ता फिनिश करती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से जी। तो इस वक्त अनाबिया कर रही है अपना होमवर्क, ये देखें। और फजर कर रही है हमें तंग, और फातिमा अपना बैठ के खेल रही है। फजर तंग कर रही है, फजर बहुत ज्यादा आज तंग कर रही है। फजर फजर ये लो ये लो, ये देखो फजर फजर, ये लो ये ले लो, ये ले लो फजर, कलर्स ले लो कलर्स। यस फजर कलर से खेलेगी, ये ले लो फजर की बुक, फजर की बुक, फजर की बुक जी। तो आज ना मैं बड़ी देर इंतजार करती रही कि कोई सब्जी वाला आए, कोई भी सब्जी वाला नहीं आ रहा था, तो मुझे खुद जाना पड़ा मार्केट, जाके मैं लेके आई हूँ कद्दू, और ला के मैंने अब वो काट लिया है। यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है, आज मैं कद्दू बनाने लगी हूँ। देखें मैं सिंपल खाली आज ना भुना हुआ कद्दू बना रही हूँ, ठीक है। इधर मसाला तैयार हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना मैंने कद्दू को काट के रख लिया। साथ ही साथ मैंने अपने लिए बनाने लगी हूँ चिकपीज वाला सैलड, ठीक है, हाई प्रोटीन सैलड होता है ये, तो मैं सिर्फ आज ये खाऊंगी।
लंच में बच्चों को मैं कद्दू खिलाऊंगी। तो अब ये जो है ना कद्दू मैंने काटा हुआ, इसमें थोड़ा सा पानी भी है, इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंदर, और इसको थोड़ा सा मैं भून बना लूँगी। भून बनाई इसकी करने के बाद इसको मैं लगाऊंगी प्रेशर, प्रेशर लगा दूंगी इसको। मैं देखें मैंने कितने बड़े बड़े से इसके पीसेस किए, क्योंकि मैंने इसको अच्छा 15-20 मिनट का प्रेशर लगा देना। उसके बाद खोल के मैंने इसको अच्छी तरह से मैशर से मैश कर देना है, और फिर मैंने इसको भून लेना है। मेरा सालन तैयार हो जाएगा। तब तक मैं रेडी करती हूँ अपनी चिक पीस वाली सैलड, और फिर हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि बच्चों को लगी है बहुत ज़्यादा भूख जी। तो जब तक ना हम लोगों का कद्दू रेडी हो रहा है और मेरी सैलड रेडी हो रही है ना, मैं यहाँ पे ना फजर के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। ये देखें जी, खिचड़ी में मैंने थोड़ी सी, मैं बिल्कुल बना रही हूँ, मैं डेली फ्रेश बनाती हूँ। जो भी चीज़ मैं उसको देती हूँ ना, डेली बेसिस पे मैं उसको फ्रेश बना के देती हूँ। तो ये क्वांटिटी बिल्कुल टुन्नी मुन्नी सी है, बहुत ही छोटी छोटी सी क्वांटिटी में मैंने चीज़ें बनाई हैं। ये देखें, इसके साथ मैंने अब कद्दू को ना सारा ऐसे मैश कर रही हूँ। ईजीली बड़ा जल्दी से और आसानी से मैश हो जाता है, और जो मुना हुआ कद्दू बनाने का ना, इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो गुठलियाँ गुठलियाँ मुँह में आती अच्छी नहीं लगती हैं, वो बड़े बड़े से चंक्स। तो उसके लिए ना मैं इसको इस तरह से सारा कर लेती हूँ जी। तो अभी आने वाले इन लोगों के पापा के आने का टाइम हो गया, तो मैंने अभी खुद अपना ज़रा फेस वगैरह वॉश किया और थोड़ा सा तैयार होती हूँ, और साथ में बच्चों को भी थोड़ा सा ना नीट एंड टाइडी कर दूँ, इनके बाल वगैरह बना दूँ। तो जब आपके हस्बैंड आए ना, सारे थोड़ा थोड़ा तैयार होकर रहा करें, इट्स अ गुड थिंग टू डू, और बच्चों को भी तैयार रखा करें। और जी हम अच्छे से, मैं इनके ना बाल बना देती हूँ, पोनियाँ इनकी कर देती हूँ, इनके कपड़े थोड़े से सेट कर देती हूँ, और तब तक आ जाएंगे इनके पापा और मैं खुद तैयार होती हूँ। मैं अनाभ्या और बच्चों के बाल बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। अनाभ्या के बाल बन गए हैं, अब फातिमा के बालों की बारी है। ये रही अनाभ्या। तो अब मैं फातिमा के बाल बना रही हूँ। फातिमा के बाल बनाएंगे हेयर स्टाइल वाले। जी बच्चे तैयार हो गए हैं और अब मेरी बारी है तैयार होने की। तो मैं बस हल्का सा ना अपने मुंह पे थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाने लगी हूँ। बच्चे बड़े बिजी हुए हैं इस वक्त, कार्टून्स देख रहे हैं।
कार्टून्स तो नहीं, इनको पसंद है मोमो वाला ड्रामा, तो ये इस वक्त वो देख रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपना कुछ काम, क्योंकि तो जब तक इनके पापा का हम वेट कर रहे हैं मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा काम। मेरा काफ़ी ज़्यादा काम जमा हो गया करने वाला, तो इसलिए मैंने अब अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है और मैं करने लगी हूँ काम थोड़ा सा। तो काम करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब चीज़ों के साथ साथ। और फातिमा आपने अपने हेयर फिर से ख़राब कर लिए हैं सारे, रबिया भी यहाँ पे आ गई है। तो चले जी मैं करती हूँ अपना काम थोड़ा सा, तब तक इनके पापा आ जाएंगे, फिर उनके लिए बनाएंगे चाय और फिर मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बाय बाय जी। तो ये मैंने अपने लिए जो है ना, ये मेरा डिनर रेडी हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ी सी कैबेज डाल दी है, कैप्सिकम डाल दिया, अनियन डाल दिए मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें कद्दू डाल दिया है और मैंने इसमें डाल दिया है अनियन है और क्या है, और बस ये चीज़ें इसमें मैंने डाली है, कैरेट भी है। हाँ जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन और एक स्पून मैं इसमें डालूंगी वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, और एक स्पून मैं इसमें डालूंगी देसी घी का। ये डाल के मैं इसको कवर करके ओवन में रख दूंगी फॉर 2 मिनट्स और मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। ये देखें मेरी ये प्लेट ना अब ओवन में जाने के लिए तैयार है, और इधर देखें ये मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या जुल्म किया। मैं बहुत दिनों से इनको कह रही थी कि मैंने ना, मेरा खाने का दिल कर रहा बालूशाही, और आज जब मैंने डाइट अपनी स्टार्ट ही की है ना, और ये ले आए हैं मेरे लिए, और अब मेरे से बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ना अभी फोकस करने लगी हूँ अपने डिनर के ऊपर, तो ये मैं सुबह किसी टाइम खाऊंगी, अभी रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, अभी मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद मैं इसको खोल कर ज़रा सा मिक्स कर लूँगी जी। तो YouTube फैमिली अब हो चुकी है रात, और अब मैंने ना बच्चों को खाना खिलाना है और इनको सुलाना है, तो अब मैं यहीं पे ना आज अपने व्लॉग को एंड करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मुझे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट आए कि आप लोग डेली व्लॉगिंग शुरू कर दें और ये और वो, लेकिन असल में इशू क्या है ना कि डेली व्लॉगिंग मुझे इससे मुश्किल लगती है कि मुझे डेली बेसिस पे कॉन्टेंट समझ नहीं आता कि मैं क्या इस तरह से वीडियो बनाऊँ डेली बेसिस पे। तो ना ही डेली बेसिस पे इंसान कहीं जा सकता, अपने घर में ही एक रूटीन होती है हर एक इंसान की, और फातिमा को इस वक्त बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं इसलिए जो है वो डेली ब्लॉगिंग शुरू नहीं करती थी। लेकिन अब चूंकि मैंने कर दी है, तो आप लोगों ने मेरा खूब सारा साथ देना है। अब हम लोग करने लगे हैं डिनर और फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला सोएंगे, सुबह मिलेंगे और सुबह आपसे भी मुलाकात करेंगे। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और इंशाल्लाह अब रोज़ाना आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।